बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैरिज ब्यूरो में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और देखिए, आज भी एक खूबसूरत से रिश्ते के साथ है मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि ये भी रिश्ता हमारे काफ़ी भाइयों को पसंद आएगा। तो आज का रिश्ता नाजमा का है, यानी कि लड़की का नाम नाजमा है। ये जो है बेचारी तलाक याफ्ता औरत है, जो कि कुछ साल पहले इसे तलाक हो गई थी। शोहर ऐसा था कि बहुत ही शक्की इंसान था, जिसकी वजह से इसने तंग आकर बिल्कुल तलाक ले ली, और ये दूसरी शादी करना चाहती हैं। एक छोटी सी बेटी है जो कि 4 साल की है, और अच्छे घर से रिश्ता है बिल्कुल। खातून जो है माशाल्लाह से अच्छी है, 29 साल इनकी एज है, 29 साल इनकी उम्र है, नाम नाजमा है, और ये दूसरी शादी करना चाहती हैं। अच्छे रिश्ते की तलाश में हैं, अच्छी फैमिली है, इनका अपना माशाल्लाह से जाती घर है जो कि वहाँ पे रह रही है। और जो नीचे वाला पोर्शन है, देखिए इसमें इसने इन्होंने किराए पे दे रखा है, जो कि माशाल्लाह से अच्छा खासा गुजारा हो जाता है। ये दूसरी शादी करना चाहती हैं, अपना जाती मकान भी है। तो जिस हमारे भाई को ये रिश्ता पसंद है, तो प्लीज इसे जल्दी से सिलेक्ट करें ताकि इनकी दूसरी शादी हो सके और ये अपने घर में बिल्कुल जो है खुशहाल जिंदगी बसर कर सकें। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कि अभी तक कुंवारे हैं, उन्हें अभी तक अच्छी लड़कियां नहीं मिली, अच्छी फैमिली नहीं मिलनी मिली। तो बिल्कुल अच्छी फैमिली मिल सकती है, अच्छा जीवन साथी आपको मिल सकता है। तो उसके लिए आपने हमारा साथ देना है। एक तो आपने चैनल को जरूर प्लीज आपने सब्सक्राइब करना है, और आपने तमाम वीडियोस को भी आपने जरूर लाइक करना है। सामने स्क्रीन पर हमारा ईमेल आईडी आपको नजर आ रहा होगा, उस पे आपने बिल्कुल ईमेल करना है। और दूसरा जो है कमेंट्स का जरिया है, वो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, इसलिए हर वीडियो में कहती हूँ क्योंकि जिन्होंने अभी अभी चैनल को ज्वाइन किया है, उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि वो रब्ता किस तरह से करें, इसलिए मैं हर वीडियो में बताती हूँ ताकि वो भी रब्ते का जरिया उन्हें भी पता चल सके। तो ये जो है नाजमा का रिश्ता, उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे हमारे भाइयों को पसंद आएगा। तो अगली वीडियो के लिए मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए रिश्ते के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।